ऑलराइट गाइस, हम सबसे पहले यहाँ मंदिर पैलेस के अंदर घूमने आए हैं। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पैलेस। मंदिर पैलेस यह एक राजा का पैलेस है, यानी राजा का महल हुआ करता था, जहाँ राजा रहा करते थे। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल आउटसाइड्स, यानी बाहर से आप इनका व्यू देखिए, क्या कलाकृतियाँ है, क्या कार्विंग्स वर्क किया गया है। देन अपने आप में एक ये यूनिक कॉन्सेप्ट है। और आप यहाँ पर देखिए, ये कर्विंग वर्क है जो गौर से देखेंगे तो ये अपने आप में ही यूनिक है। और इस तरह के काम मुझे नहीं लगता है कि अब पॉसिबल है। ये पूरा वर्क है। देर इज अल्सो, ये लगभग 200 साल पुराना तो ज़रूर होगा। और आप यहाँ ऊपर देखिए, जालियाँ और झरोके, ये सारा पत्थर यहाँ का जो येलो स्टोन्स निकलते हैं ना, उस पर कार्विंग्स करके बनाया गया है। और ये कार्विंग वन ऑफ द बेस्ट कार्विंग्स, जो यहाँ के राजा थे वो इसी जगह पर रहते थे। और यह बहुत सुंदर पैलेस है। और अब हम अंदर की तरफ एंटर करते हैं। सो सबसे पहले टिकट वगैरह यहाँ से लेना पड़ेगा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई बाय टिकट। अंदर जैसे ही आते हैं तो यहाँ ये देखिए, आयरन एटेंसिल एंड स्टोव्स, यह मतलब चीज़ें जो पुराने टाइम में यूज ली जाती थी। और यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये राजाओं का किचन हुआ करता था, यानी रसोई घर। वैसे मजा आकर रसोई घर वगैरह कुछ नहीं है, बस ये जो भी खुला इलाका है, मतलब इसे आप जो चौक होता है ना, चौक बोल सकते हैं, ये चौक है। एंड देन यहाँ पर बर्तन भांडे रखे हुए हैं, पुराने टाइम में जो यूज किया करते थे ना राजा महाराजा वगैरह, वो रखे हुए हैं। और आप यहाँ पर वो देखिए टावर टाइप, आपको वो दिख रहा है, वो मतलब यहाँ का टावर है। इसका नाम क्या था यार, हाँ, ताजिया टावर। ये भी काफ़ी यूनिक है, इसको आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सब स्टोन्स है, पत्थर है, काफ़ी यूनिक पत्थर से है। यहाँ पे चूल्हे वगैरह सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, यानी जो जो चीज़ें पुराने टाइम में यूज होती थी वो चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। देन आप यहाँ अंदर से देखिए, मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल पैलेस इनसाइड्स, काफ़ी यूनिक है। कलाकृतियाँ देखिए, विजिट दिस साइड्स। सो हम यहाँ विजिट करने आ गए। देन यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जो आप पढ़ लेना। अब हम चलते सीधा अंदर। जैसे अंदर है यहाँ पर भी वो सेम है, बर्तन भांडे रखे हुए हैं। देन यहाँ पर देख के पुराने पुराने टाइप की जो चीज़ें हुआ करती थी वो है, ये पता नहीं क्या है वो देखिए। हमारे में इसे मारवाड़ी में देगड़ी बोलते हैं, आपके वहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में बताइए। और इसे भगोला बोला जाता है, आपके वहाँ क्या बोलते हैं कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। अब यहाँ पर देखिए लॉक सैंड की, यानी ताले और चाबी देखिए, मतलब कितने बड़े बड़े ताले और चाबी है। देखिए इस टाइप के हुआ करते थे पहले के टाइम के अंदर। और यहाँ पर आप देखिए पुराने टाइम में कैमरा वगैरह जो भी यूज होता था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह है। और नीचे आपको ये रेडियो वगैरह टेलीफोन वगैरह मिल जाएगा, जो मतलब करीब ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब थोड़ा बहुत टाइम पहले। और आप यहाँ पर कार्विंग्स को देखिए, कितना यूनिक कॉन्सेप्ट है, कितनी बारीकी से बनाया गया है। मेरे बच्चे अभी बड़े हो गए हैं। हंसते चेहरे का मतलब ही नहीं होता कि उन्होंने कोई।
गाइज हम फाइनली गड़ीसर झील पहुंच चुके हैं। बहुत ही शानदार इसका दृश्य है, आपको अभी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, अरे वाह कितनी खतरनाक मछलियाँ है। अरे इन लोगों का मुंह ही अलग है, देखो आप मतलब किस टाइप से है ये। अरे बहुत खतरनाक, कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ है, डर लग रहा है यार, हटाओ कोई से। अरे इतने सारे मुंह देखो, कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ यार, भयंकर डर लग रहा है मेरे को तो। फाइनली हम जैसलमेर के फोर्ट पर पहुंच चुके हैं, तो चलो शुरू करते हैं। ये अंकल यहाँ का हमें फ्लॉक म्यूजिक सुनाने वाले, तो सुनिए। अभी हम जैसलमेर के फोर्ट के ऊपर आ चुके हैं, अभी आपको मैं एक अच्छा सा व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना अच्छा, कितना प्यारा व्यू है, मतलब लाइक गोल्डन सिटी, यानी इसलिए इसे गोल्डन सिटी बोलते हैं। आप हर चीज़ देखिए गोल्डन टाइप लगेगा आपको। ये देखिए यहाँ पर चांदी की राजगद्दी बनी हुई है और साइड में चांदी की कुर्सियाँ भी लगी हुई है, तो महाराजा उस टाइम के अंदर यहाँ बैठ के मीटिंग वगैरह किया करते थे। प्लस जो भी आप चीज़ देख रहे हो इसमें सब चांदी का है, ओरिजिनल चांदी लगा हुआ है, सो मतलब काफ़ी यूनिक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी मतलब राजा वगैरह हुए थे आज तक इस किले के अंदर, जो मैं पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर तस्वीरें लगाई गई है। और ये है करंट टाइम के राजा यानी किंग ऑफ जैसलमेर दुष्यंत सिंह जी, जो अभी रिसेंटली बने थे राजा यहाँ के। सो अब हम यहाँ पर देख रहे स्टैचू वर्क, यानी स्टैचू का आप वर्क देखिए कितना बारीकी से किया गया है, दिस इज ऑल्सो ऑसम। सो अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं थोड़ा, यहाँ पर सीढ़ियाँ देखिए एकदम मतलब गुफा टाइप है,
और यहाँ पे देखिए एक पुराने ज़माने का दरवाज़ा लगा है, काफ़ी इसमें भी बारीकी से कवर किया गया है। और ये यहाँ पर देखिए राजा की गद्दी है, सो राजा बैठकर आराम करते हैं ना, वो वाली है बैठने के लिए। और यहाँ पर भी एक देखिए दरवाज़ा लगा, ये तो बंद है। और ये यहाँ पर एक खिड़की है, ये राजा की गद्दी। ये देखिए राजा का बेड है, ये लगभग 5-5.5 फीट का बेड होगा। राजा का साइज बहुत बड़ा था, 7.5 फीट था। जो आप पीछे ड्रेस देख रहे हैं ना, वो राजा की ड्रेस है, वो राजा पहना करते थे, 7.5 फीट के राजा हुआ करते थे, लेकिन बेड छोटा बहुत है। और एक बार यहाँ पर अमिताभ बच्चन भी आए थे घूमने के लिए, तो ड्रेस के आगे खड़े हुए तो उन्हें भी ये एहसास हुआ कि ये तो मुझसे भी बड़ी है। No, seriously, what is this place? This is heaven. तो गाइज हम अभी फोर्ट के ऊपर आ चुके हैं, तो यहाँ से आप ये व्यू देखिए कितना शानदार व्यू है। सो आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार जैसलमेर विज़िट करने ज़रूर पधारें। वो हमारे इंडिया का फ्लैग, नीचे देखिए आप कितनी गहराई है। अब हम जैसलमेर फोर्ट के सबसे टॉप पर आ चुके हैं, यहाँ से आप ये व्यू देखिए। सब घर आपको लगभग गोल्डन टाइप लगेगा, येलो येलो, इसलिए इसे गोल्डन सिटी कहा जाता है। इस आर्किटेक्चर को देखिए, ये पूरा फोर्ट का बनाया हुआ है, यानी कि किस प्रकार का फोर्ट दिखता है, ऊपर से पूरा 3D मॉडल टाइप है। सो अपने आप में काफ़ी यूनिक है, देखिए पूरा 3D है। सो अभी हम आगे हैं रानी कक्ष के अंदर, यहाँ पर रानी की मूर्ति लगी हुई है, ये भी कांच के अंदर बंद है। हेलो दोस्तों, दिस इज़ माई सुरंग। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्यों? नो इंग्लिश कम टू मी, मतलब मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, इंग्लिश ही तो बोल रहा हूँ। प्लीज प्लीज माय फ्रेंड, डोंट फ्लाई माय जोक, मतलब कि मेरा मजाक मत उड़ाओ। मुझे जितनी भी इंग्लिश आती है अच्छी आती है, और मैं बोल लेता हूँ और बड़े कॉन्फिडेंट से बोलता हूँ। आप भी बोले, किसी का मजाक मत उड़ाए। तो गाइज अभी हम लाइक टनल के अंदर आ गए हैं, यहाँ पर जितने भी पुराने टाइम में शासक हुए थे उनके तस्वीर लगे हुए विथ फ्रेम, यानी ये देख के राजा महाराजा कितनी शानदार, मतलब फ्रेम वगैरह है। और यहाँ पर देखिए ये इंग्लैंड गए थे राजकुमार, और यहाँ पर देखिए पुरानी ओल्ड पिक्चर्स है जो ब्लैक एंड वाइट के अंदर है। ये देखिए ये फोर्ट का, देन ये पता नहीं क्या है, और ये क्या है, कुछ सम्मेलन वगैरह का है। हाँ याडा या डन, जो ये पीछे बंदा था ना, ये बंदा याडा था, जैपनीस, ये जापान से आया था, इससे हमने काफ़ी बातचीत की थी, ये हमारे इंस्टा पर भी ऐड है, काफ़ी अच्छा लड़का है, लुक लाइक BTS। सो अभी हम फोर्ट से एग्ज़िट हो गए, अब हम यहाँ पर खाना तलाश रहे, बहुत भूख लगी है, तो हमने एक रेस्टोरेंट ढूंढ लिया, ये है लिटिल तिब्बत रूफ रेस्टोरेंट, जहाँ पर रूप पर खाना खिलाया जाता है, काफ़ी अच्छा बेहतरीन व्यू है। और ये अंदर का आप देखिए व्यू, अंदर कुछ इस प्रकार से है। तो हम सीधा जाते ऊपर और यहाँ पर खाना वगैरह करके निकलते हैं। तो हम लोगों ने खाना वगैरह सब खा लिया, अब हम निकलते हैं नेक्स्ट लोकेशंस पर। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, एक और पार्ट आएगा इसका, ये टोटल 3 पार्ट्स के अंदर है। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा तो जाओ, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये टोटल 3 पार्ट्स के अंदर आएगा, पहला तो अपलोड कर चुका हूँ, ये सेकेंड, एक और आएगा थर्ड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।